as all of you know, today was the phase 5 of the elections to the district development councils and also the Halka Panchayat and the Panch constituencies where there were vacancies, they also went to poll. So 37 DDC constituencies mein aaj jo polling hui hai, usme 17 Kashmir division mein thi aur 20 thi Jammu division mein, jisme sab mila ke आज जो वोट पड़े हैं पूरे जम्मू कश्मीर में वो है 422,511। ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज रही है कश्मीर डिवीज़न में 51.2%, सॉरी जम्मू डिवीज़न में ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज, एक्सक्यूज मी, ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज इन जम्मू एंड कश्मीर फॉर फेज 5 विच हैज़ कंक्लूडेड टुडे हैज़ बीन 51.2% ओवरऑल फॉर जम्मू एंड कश्मीर. For Jammu province, the 10 districts, the voting has been 66.67%. And in Kashmir division, it is 33.57% of polling. जो constituencies थी वो आपको मालूम है, कश्मीर में श्रीनगर को छोड़ के सारे जिलों में आज election थी और जम्मू में सभी जिलों में आज इलेक्शन थी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज की. इन द सेंस कि जम्मू में 20 थी आज टोटल, जैसे मैंने शुरू में कहा, और कश्मीर में 17 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन हुई. सबसे ज़्यादा पोलिंग जम्मू में जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो पुंछ में रही है, इट इज़ 71.62%, इट्स फॉलोड बाई डोडा विच इज़ 70.95%, it's followed by Rajouri which is 70.83% and then so on. Overall is 66.67%, fairly high, very high representation, and you will get the details in our written list. In Kashmir province, the highest polling today was in Bandipura which is 56.4%. Number two is Kupwara which is 52.35%. Badgaon is 45.65% and so on. Again, we will give you the figures of the remaining districts. Total voters who came out to poll today in both the districts is 4,22,511. Out of that, male voters who came out to poll was 2,25,628. फीमेल वोटर्स जिन्होंने आज वोट डाला है सारे जम्मू कश्मीर में वो हैं 196,883. जम्मू प्रोविंस में 138,154 महिलाओं ने वोट डाले और कश्मीर में 58,739 महिलाओं ने वोट डाले हैं. सारे मर्दों ने और सारी महिलाओं ने जो जम्मू कश्मीर में वोट डाले हैं वो हम आपको आज की प्रेस रिलीज के साथ दे रहे हैं. कोई छोटे मोटे इंसिडेंट को छोड़ के आज की इलेक्शन पीसफुल रही है. जैसा मैंने बताया कि सरपंच और पंच की भी इलेक्शन आज हुई, जहाँ जहाँ खाली वैकेंसीज हैं उसकी काउंटिंग अभी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी. और जैसा हमारा ये प्रैक्टिस चल रही है उसका वोट कितने डले हैं उसका ब्यौरा हम दूसरे दिन देते हैं, क्योंकि पंच कंस्टिट्यूंसी ज़्यादा हैं, रिमोट हैं, वो आज रात तक उसकी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी और वो हम अपनी कल प्रेस रिलीज के बारे में बताएंगे. तो ये रहा आज का फेज 5 का ब्रीफिंग और फेज 6, 7, 8 के लिए हमारी तैयारियाँ चल रही हैं. फेज 6 जो होगा वो होगा 13 तारीख को और 12 को शायद मोस्ट लाइकली आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी आपको बताने के लिए क्या है. सर, जिस तरह से मीडिया कुछ मीडिया पर्सन्स पे मारपीट का इल्ज़ाम आयद किया गया, पुलिस ने किया है उन्हें अनंतनाग में, तो किस तरह से आपकी तरफ से कार्रवाई की गई इस? अनंतनाग में आज एक छोटा सा हादसा हुआ जहाँ पर के कुछ लोग जो हैं सब मिस्क्रियंस, they were trying to dissuade voters to go and vote. The miscreants voters को disturb करते हैं तो police obviously takes action.
जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जब मीडिया के लोग वहाँ पर पहुँचे तो उसके कारण से सिचुएशन और थोड़ी बिगड़ने लगी। वो मिस्क्रियंट्स बिगाड़ रहे हैं सिचुएशन को, मीडिया नहीं बिगाड़ रहे हैं, लेकिन पहले ही पत्थर मार रहे थे वोटर्स के ऊपर में, उसके बाद में मीडिया के आने के बाद में ज़्यादा सीट को बिगाड़ने लगे। उसके कारण से मीडिया के लोगों को पुलिस ने वहाँ से सेपरेट किया और सिचुएशन केम अंडर कंट्रोल। और उसके बाद में वो पुलिस हैव रजिस्टर्ड FIR ऑलरेडी इन दैट इंसिडेंट टू टेक एक्शन अगेंस्ट द मिस्क्रियंट्स हु वर क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम एट द साइट।